किसान भाइयों नमस्कार। मैं विपिन सिंह, आप सभी भाइयों का आपके अपने चैनल इंडियन फार्मिंग ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों ने 8 साल के अथक प्रयास के बाद गेहूं की एक नई किस्म HD 3226 पूसा यशस्वी विकसित की है, जिसमें अन्य किस्मों की तुलना में प्रोटीन और ग्लूटेन की मात्रा भी अधिक है और अन्य किस्मों की तुलना में बहुत अधिक पैदावार देने में भी सक्षम है। आज हम गेहूं की नई किस्म HD 3226 पूसा यशस्वी के बारे में ही बात करेंगे, इसलिए इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। जो भाई अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएँ। किसानी से संबंधित नया वीडियो यूट्यूब पर सबसे पहले देखने के लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। किसान भाइयों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित नई गेहूं की किस्म HD 3226 पूसा यशस्वी बहुत ही उन्नत किस्म का गेहूं बीज है, जो प्रति एकड़ 24 से 25 कुंतल तक अधिकतम पैदावार देने में सक्षम है। इसके पौधे की ऊंचाई लगभग 100 सेंटीमीटर तक होती है। पौधे की लंबाई औसत एवं तना का मजबूत होने के कारण विपरीत परिस्थितियों में भी आसानी से खड़ा रहता है। HD 3226 गेहूं की फसल कुल 142 दिन में पककर कटाई के लिए तैयार हो जाती है। HD 3226 गेहूं पीला एवं भूरा रतुआ रोग के साथ साथ करनाल बंट रोग के प्रति भी जबरदस्त प्रतिरोधी है। रतुआ और करनाल बंट गेहूं की एक गंभीर बीमारी है। यदि यह बीमारी गेहूं की फसल में आ जाती है तो आधे से ज़्यादा फसल बर्बाद हो जाती है। रतुआ और करनाल बंट रोग की रोकथाम के लिए किसान को दवा का छिड़काव करना पड़ता है, जिससे फसल पर लागत बढ़ जाती है। यह किस्म रतुआ और करनाल बंट रोग के लिए प्रतिरोधी होने के कारण दवा का खर्च बच जाएगा और फसल स्वस्थ एवं सुरक्षित भी रहेगी। HD 3226 गेहूं की भरपूर पैदावार के लिए इसकी बुआई अक्टूबर के अंत या नवंबर के दूसरे सप्ताह तक करना जरूरी है। यह किस्म पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों के सिंचाई वाले क्षेत्रों में बुआई के लिए उपयुक्त है। किसान भाइयों, इस किस्म में सभी किस्मों से ज़्यादा प्रोटीन और ग्लूटेन है। इसमें 12.8% प्रोटीन, 30.85% ग्लूटेन और 36.8% जिंक है, जो अन्य किस्मों की तुलना में अधिक है। किसान भाइयों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने HD 3226 गेहूं बीज को किसानों तक पहुंचाने के लिए 35 से 40 प्राइवेट कंपनियों को लाइसेंस जारी किया है, जो इस वर्ष भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से बीज लेकर बुआई करके बीज का उत्पादन करेंगे और 2020 तक बाज़ार के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराने का कार्य करेंगे। HD 3226 पूसा यशस्वी बहुत ही अच्छे किस्म का गेहूं बीज है, जो वर्तमान समय में सबसे अधिक बिकने वाले गेहूं बीज 2967 और HD 3086 को आने वाले समय में कड़ी टक्कर देने वाला है। किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।